अभी ये गाड़ियां जो हैं वो प्रशासन द्वारा पुलिस द्वारा निकाली जा रही है, लेकिन जो मृतक बच्चे की माँ है वो रास्ते पर आ गई है और गाड़ी के सामने वो ठहर चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। कोशिश की जा रही है लेकिन माँ जो मृतक बच्चे की माँ है 5 साल के बच्चे की जिसकी मौत हुई है वो वाहनों के आगे अब जो है वो आ गई हैं और प्रदर्शनकारियों का परिवार वालों का ये कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तब तक वो रास्ता नहीं खोलेंगे। उनके साथ लड़ने की लड़ रहा कौन है, मेरे बोलो गाड़ी बंद करो, अभी तक तो आराम से हो रहा था ना, अभी तक तो आराम से हो रहा था, अभी तक तो आराम से हो रहा था ना, आराम से हो रहा था, गड्डी पर कुछ नहीं था वो यार, गड्डी पर नहीं करता सर, पुलिस में आए ना यार, मेरे पास में क्या है, गड्डी रो कहां पर, तू गड्डी हाथ लाइए बच्चा बच्चा सारा सारा बच्चा वो कोई मेरा बच्चा आ गया किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं शीशा दिया मारिया मौका देखो चल के इंसाफ जाइए, बस सिर्फ मौका देखो चलो इंसाफ जाइए मैम, चलो मैडम जी एक बार की बात नहीं लड़ रही है, चलो मैडम की बात सुनो सुनो होल्ड ऑन, आप पहले रास्ता क्लियर कर दो, हम जाते हैं वापस वापी देखते हैं, ठीक है, आप रास्ता खाली करिए पहले सारा का सारा, चलिए लोगों को परेशान मत करो, हम जाके देखते हैं, चलो चलो उसका दीपक नहीं मानेंगे, पर्चा लगा के कॉपी कल मिल जाएगी हमें, मिल जाएगी सब कुछ मिल जाएगा, डीएमओ साहब और ठेकेदार क्रैशर का उनके खिलाफ पर्चा लगना चाहिए, उनकी कल कॉपी हमें 12 बजे चाहिए मैडम जी, नहीं तो धरना फिर लगा लेंगे और रोड ब्लॉक फिर से करेंगे, हाँ सुनेंगे सर बिल्कुल, रिपोर्ट लेनी है ना पूरी की पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग, हाँ जी हाँ जी, रिपोर्ट होकर जो भी डिसीजन जैसी आएगी उसी हिसाब से एक्शन हमने ले लिया, मैंने कह दिया आपको डीसी साहब आप तो कह रहे हैं मगर हमें रिटर्न में मिलेगा कुछ भी नहीं, हम ऐसे कैसे दरबार आते हैं, मैडम जी मेरी बात सुनो, हमारे एक बच्चे की किसी के घर में डेथ हो गई उसका सबूत नहीं मिला तो ये कहाँ मिलेगा, नहीं मिलने वाला, तो डीसी रियासी जो घटना स्थल पर पहुंचे थे उसके बाद यहाँ पर पहुंचे और बातचीत की, उसके बाद डीसी रियासी ने अब रास्ता खुलवाया है, हालांकि जो प्रदर्शनकारी थे वो अभी बात करना चाह रहे थे लेकिन डीसी रियासी ने निर्देश जारी किया कि रास्ते को खोल दिया जाए, उसके बाद रास्ते को अब खोल दिया गया है और पुलिस के जवान ऑफिशियल्स अधिकारी जो हैं लगातार रास्ते को खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, वाहनों को निकालने की कोशिश यहां से लगातार जारी है, तो ये देखिए तस्वीरों में अब वाहन जो है वो लगातार निकल रहे हैं।
अपने सबूत पे पर्चा लगना चाहिए, FIR की कॉपी हमें दो, उस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम खुद करवाएंगे। हमें रियासी के अंदर एक किसी के घर में माइग्रेंट का बच्चा छोड़ा था, वो बच्चा मार दिया, मरने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी हमें पूरा तरला लगा दिया, हमारी आवाज को ऊपर नहीं उठने दिया, एडमिनिस्ट्रेशन मक्खन लगा के हमें दुकाना चाहती है, इस बात को हम नहीं मानेंगे। जो डीसी रियासी ने जो बात कही आप उसे नहीं मान? नहीं, हम क्यों मानेंगे इस बात को, रास्ता बना के देते हैं तो रास्ता आज बना रहे, ब्रिज बना के दो रात में, मैं मानता हूँ डीसी मैडम बात करें मुझसे, रात में पूरा ब्रिज बना के दे दो, 10 करोड़ का जो बनता है तो उस पर सहमत होंगे, ऐसे नहीं होंगे। जितने अधिकारी DMO साहब उनके खिलाफ पर्चा लगा दे, तो माने पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी है, अगर माइनिंग ब्लॉक आएगा तो ये माइनिंग ब्लॉक तो बंद ही है, शुरू नहीं करेंगे। चलो मैम एक बार चलो हमारे साथ, हिसाब चाहिए मैम, हिसाब चाहिए, हाँ मौका देखो चल के, हिसाब चाहिए बस, सिर्फ मौका देखो चलो, हिसाब चाहिए मैम, चलो मैडम जी एक बार की बात नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, चलो मैडम की बात सुनो, सुनो आप पहले रास्ता क्लियर कर दो, हम जाते हैं वापस, आप रास्ता खाली करिए पहले सारा का सारा, चलिए लोगों को परेशान मत करो, हम जाके देख के डीसी रियासी आए हैं, उन्होंने क्या कहा और आपने क्या कहा? वो अभी कहते हैं जी हम रास्ता बना के देते हैं तो धरना उठा लो, वो रास्ता बच्चा हमारा मर गया, रास्ता आज बनाने लगे मरने के बाद, जब वो बच्चे सब हम जिंदे थे तब तक इनके ऑफिस में जाके रिपोर्टें देते थे, JCBयां बंद करवा के पुलिस के अंदर बंद करवाते थे कि JCB सील करवा दी, तब कार्रवाई नहीं हुई, टेम्पर सील करवाए, रात को सील करवाने तो सुबह वो एक JCB सील करवाने तो 4 लगी होती, मौका नहीं देखना, चेन्नई जो DC में आग रहा नजर, DC आओ चलो सारे चलने सारे DC नहीं चलना, चलो गरीब है अंदर देखो, चलो देखिए आओ, जा रहे हैं हम स्पॉट पे, वो देखते हैं उसके लिए तो इंक्वायरी होगी, मौत का कारण हो सकता है वही हो, लेकिन खड्डे ज्यादा थे, बड़े बड़े थे और उनको डायरेक्शन हो गई, उसके बाद यही रिपोर्ट लेके हम डिप्टी कमिश्नर मैडम के पास गए थे, डिप्टी कमिश्नर मैडम ने भी DMO साहब को बता दिया था कि तब तक वहाँ उस ब्लॉक में कोई काम नहीं होगा जब तक उन बड़े बड़े खड्डों को रीफिल नहीं किया जाएगा, और वहाँ से एक पास वो ये जो अपना विलेज सीला है ये दोनों तरफ को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक रोड भी था वो भी खराब हो चुका है, उसके लिए भी उनको डायरेक्शन हो गई थी कि ये इसको ठीक हालत में लाएंगे तो उसके बाद ही इस ब्लॉक का काम चलेगा, और नहीं तो मैडम ने यह भी कह दिया था कि इस ब्लॉक का हम वो सब एक कंटेक्ट ही कैंसिल कर देंगे, यहाँ तक बात आज ये उसके उससे पहले हुई थी, ये मैं लेकिन इससे पहले ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये केवल बचने के लिए तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है, माँ की हालत आपने देखी है किस तरह से रो रहे हैं, बिखला रहे हैं, क्या दर्द वो प्रशासन महसूस कर पाएगा? अच्छा जी, इस बात का मुझे ज़ाती तौर पर भी निहायत दुख है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये कार्रवाई हमने उससे पहले कर दी थी, ये मैं कहता हूँ कि ये मीटिंग होने के बाद मैं अपने ऑफिस में जब पहुँचा उस वक्त ये खबर आई, और उसके अलावा आप ये कहते हो कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सैकड़ों गाड़ियाँ तो मैंने खुद पकड़ी हैं रात के 12 बजे, वो तो कई बार आपने खुद भी इंटरव्यू किया है, जब आपने कहा कि लाइसेंस कैंसिल होगा इससे पहले क्यों नहीं हुआ, अगर आपने इतनी ज़्यादा कार्रवाई की है, बार बार ये नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून को मजाक बना के इन्होंने रखा है, तो फिर लाइसेंस कैंसिल वाली नौबत आज तक क्यों नहीं आई, अब क्यों ये कहा जा रहा है कि लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा? इस वक्त तो अब खड्डे हमें दिखते थे ना, खड्डे जब इतने इतने बड़े खड्डे दिख रहे हैं हमें, हमने उनको कह दिया कि आप ये खड्डे रीफिल करोगे, और उन्होंने मान भी लिया कि इनको हम रीफिल करवाने के बाद ही उस ब्लॉक में आप काम करेंगे, ये बात आज हो चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती उसके इमीडिएट बाद आधे घंटे एक घंटे बाद हमें खबर आ गई कि सचमुच ही वो हादसा
हादसा हो गया जो हमें लग रहा था कि ये ऐसा हादसा हो सकता है। रालतियां खुलियां मिला दी आराम से कुर्सी बैठे दे कुछ बच्चे दिया जाना जा रही लोगों के माल मवेशी मारा दे अपनी जगह गहरी नींद कने सुते दे अपनी कुर्सी कने चपकी दे कुर्सी नहीं बैठे दे उन्हें यह पता नहीं लगे को घर के परेशानियां न अगर साढ़े महल पंजा घर है 200 घर साढ़े अंजी त्रास करने वाले बंदे अगर राती कोई बंदे खड्डे रुड़िए मरी जान जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन ही है ना 20-20 फुट उठा चुके अभी भी वो नीचे गहरे जा रहे हैं क्या उनके लिए अलाउड दिया जो मालकी रख दे आने जाने के बोटीसी साहब ने खुद अपने जेब में डाल के रखे वो रुट जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है उनकी रालतियां खत्म नहीं होनी चाहिए हम इसके बारे में पर्चा लगाना चाहेंगे ऐसे तो हम अपने धरने को उठाएंगे नहीं। डीएमओ रियासी, डीएमओ रियासी, डीएमओ रियासी, स्टेशन रियासी, रियासी जिला हेडक्वार्टर के साथ लगते सिला पंचायत के पनासा इलाके में एक 5 साल के बच्चे की गड्ढे में पानी जमा जो था उसमें डूबने से मौत हो गई। उसके बाद परिजन जो हैं वो रियासी के बारादरी चौक में पहुंचे और उन्होंने सड़क को जाम कर दिया। आरोप माइनिंग डिपार्टमेंट पर, माइनिंग ब्लॉक वालों पर है। नियमों को ताक पर रखकर कानून की उल्लंघना कर जो माइनिंग है वो की जा रही है। अधिक गहराई में गड्ढे जो है वो किए जा रहे हैं। ये इतनी गैप है मैम। आखिर घर के पास देखना सर जाके देखना घर के पास क्या किया इससे भी ज्यादा डूबा है घर के पास। रिपोर्ट सारी की सारी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जितनी भी रिपोर्टिंग होगी उसके बेस पर आपको जो कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। यही बताया था उसको मैं आपको पता यही तकलीफ बताई थी वो रात को आते हैं भर के लेकर और मैं तो ये देखे ये ब्लॉक में रहेगी ना ऐसे सिचुएशन बाकी 3 और 4 में भी यही है 3 और 5 में भी सेम इतना ही डीप है ये पीछे हमारे जो जिससे आप उसके बाहर से नीचे देखते हैं ना हाँ। उससे भी ज़्यादा बंद भी हो जाएगा तो अभी क्रशर वाले निकलते ही निकलते हैं रात को जाते हैं इतनी कटिंग की इमीडिएटली इसके 90 डिग्री ऊपर रोड